पुलिस की सतर्कता से एक बड़ी वारदात टल गई। देर रात गश्त के दौरान पुलिस ने कार में सवार युको को देखा। उनकी गतिविधि संदेहास्पद होने के कारण पुलिस ने कार को रुकाया। जैसे ही कार रुकी, चार युवक उतरकर भाग निकले। एक युवक पुलिस के हाथ लगा। गाड़ी की तलाशी लेने पर दो पिस्तौल सहित धारदार हथियार बरामद हुए। अन्य आरोपी फरार होने के कारण कुछ विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है। पकड़ा गया आरोपी साई बाबा नगर खरबी निवासी नावेद अयाज शेख बताया गया। फरार आरोपियों में ओम नगर नारा रोड निवासी सलमान रहीम शेख, इंदौरा निवासी नीलेश पुंडी, डांगोरी लेआउट बुखारा निवासी शहबाज उर्फ टीपू खान और एक अज्ञात आरोपी का समावेश है। शहबाज इस गैंग का मुखिया होने की जानकारी मिली है। रविवार की रात सब इंस्पेक्टर मंगला मकोशे ने अपनी टीम के साथ परिसर में गश्त कर रही थी। कल्पना टॉकीज के समीप पुलिस को MH17V1080 नंबर की कार में कुछ युवक दिखाई दिए। पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगे। इससे पहले कि पुलिस घेराबंदी करती, चार आरोपी भाग निकले। केवल नावेद पुलिस के हाथ लगा। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो दो पिस्तौल, 8 जिंदा कारतूस, एक फारसा, दो खंजर और मिर्ची पाउडर बरामद हुआ। पुलिस ने कार सहित 183,000 का माल जब्त किया। पुलिस को जानकारी मिली है कि आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे, लेकिन नावेद सही जानकारी नहीं दे रहा है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस स्टेशन तसेच मार्गापूर हद्दीत गुन्हेगारून आणणारे आरोपींवर मार्गापूर पोलीस स्टेशनची एक महिन्यापासून लक्ष होता आणि त्यांचे वर पाळत ठेवण्यात आलेली होती। त्याच अनुषंगाने 4 तारखेला रात्री पोलिसांना अशी माहिती मिळाली की एक सेकंड हँड शेवरोलेट एव्हियो कार याच्यामध्ये काही लोक बसून कोणतीतरी मोठी घटना घडून आणण्याकरिता काही शस्त्रास्त्र घेऊन मार्कापूर पोलीस स्टेशनचे हद्दीत येत आहे आणि मार्कापूर चौक एक जवळपास बस स्टँडच्या जवळ या लोकांनी येऊन तिथे ते कार पार्क केली। त्याच्यानंतर त्यांना तिथे काहीतरी मोठी घटना घडून आणण्याची तयारी करायची होती। त्याकरिता त्यांनी 2 बनावटी माउजर, 8 कारतूस, त्याचप्रमाणे 2 मोठे चाकू, 2 मोठे बेसबॉल बॅट आणि 1 फारसा अशा साहित्य, त्याचप्रमाणे मिरचीपूर हे सर्व त्यांची गाडीत साहित्य मिळून आलं। भरपूर वेळ पोलिसांनी ट्रॅप लावून प्रयत्न केला। इतर आरोपी जे आहेत तिथे येऊन काय घटना घडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत त्याचं लक्ष ठेवण्याकरिता परत पोलिसांनी जेव्हा गाडीची झडती घेतली तेव्हा त्यांना हे साहित्य मिळालं। कॅमेरा पर्सन मायकल के साथ अभिषेक पानसे, BCN News नागपूर।